आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे आयुष के मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज और हमारे स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री प्रताप राव गणपत राव यादव जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, हमारे अतुल गोयल जी DGHS और श्रीमती आराधना पटनायक जी एडिशनल सेक्रेटरी एंड MD, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी डेवलपमेंट पार्टनर्स, हमारे वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे स्टेट से आए हुए पार्टिसिपेंट्स और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, हम सब लोग यहाँ आज स्टॉप डायरिया कैंपेन के 2024 के शुरुआत में उसको शुरू करने के लिए, उसको प्रारंभ करने के लिए और कैंपेन को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर एकत्र आए हैं। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस कार्यक्रम में, विशेष करके स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो सभी प्रदेशों से आए हैं। मुझे स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में एक लंबे अंतराल के बाद आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कुछ पहचाने हुए चेहरे भी मैं देख रहा हूँ और कुछ चेहरे नए भी देख रहा हूँ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से मेरा और अनुप्रिया का संबंध पुराना है ऐसा मैं मानता हूँ। आज आप सब लोग स्टॉप डायरिया कैंपेन को प्रारंभ कर रहे हैं और 2024 या स्टार्टिंग दिस कैंपेन इन 2024, बट आई वुड लाइक टू मेक यू रिमेंबर ऑल्सो दैट देर इज़ अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन दिस रोटा वायरस डायरिया इंद्रधनुष प्रोग्राम विथ मी एंड अनुप्रिया, बिकॉज इन 2014 it was one of the first programs which we had launched, and after coming to the government this is again the first program that we are launching here. So there is a coincidence, but yes, certainly in 2014 we started Mission Indradhanush, and it was in 2014 that we introduced rotavirus. At that point of time, as I remember, that in Southeast Asia region, India was the first to introduce rotavirus. And then we re-intensified in 2016. That was done by Honorable Prime Minister in Vadnagar. And after that, if I remember, it was scaled up in 2019. And now in 2014, we are again scaling up the duration of the campaign from a fortnight to 2 months. I must congratulate the health ministry for doing so and thinking about it so that I'm giving a priority to this area. अब जहाँ तक सवाल है, मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बताया है कि 5.8% के आसपास की deaths under 5 is because of rotavirus. लेकिन if I remember, it was before 2014 that approximately 10 lakh children used to be admitted every year in hospitals, and the mortality was more than 3 lakh per annum, if I remember, I faintly remember, but it was large number. But now I would like to share with you that in 2014, when 45 per 1000 babies births jo hoti thi उसमें मॉर्टैलिटी होती थी, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 32 पर 1000 लाइफ बर्थ्स इन 2020. सो स्लोली स्टेडिली वी आर ट्राइंग टू सी टू इट कि हमारा जो IMR है वो कम हो, और उसी तरीके से उसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पहले भी सब लोगों ने आपको बताया कि टू कॉम्बैट we have to go for preventive measures, we have to be promotive, and we have to also take care of the treatment. तो जहाँ तक preventive का सवाल है, ये जो हम campaign चला रहे हैं ये preventive के लिए ही है,
और प्रिवेंटिव में सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सही समय पर ORS मिलना और सही समय पर इन सारी चीज़ों की देखभाल करना, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करेगा या कर रहा है, जिसको हमने अभी तक अपने दायरे में शायद लाया कि नहीं लाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन में 11.5 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स का बनना और बिहेवियरल चेंज होना इज विल आल्सो कंट्रीब्यूट मेजर इन दिस डिक्रीज ऑफ दी इंसिडेंस ऑफ डायरिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो स्वच्छ भारत मिशन में हुआ है उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से लगभग 11.66 करोड़ पाइप्ड वाटर, टैप वाटर, हर घर नल, जल जीवन मिशन में इसको भी जो पहुंचाने का प्रयास हुआ है, दिस इज ऑल्सो वेरी मेजर इनिशिएटिव विच इज गोइंग टू रिड्यूस द डायरिया बिकॉज ऑफ क्वालिटी वाटर रीचिंग होम। यह भी हमको ध्यान में लेना चाहिए और हमारे जब हम इसका असेसमेंट करते हैं, व्हेन वी गो फॉर द असेसमेंट, वी शुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द अदर इनिशिएटिव्स अदर देन द हेल्थ डिपार्टमेंट विच हैज़ बीन टेकन और जिनके कारण भी चेंजेस आए हैं, इसको भी हमको कहीं अपने पैरामीटर्स में स्टडी करने में, सर्वे करने में इसको जोड़ने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। एक हम लोगों का जो बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है आरोग्य मंदिर, एट आवर टाइम वी यूज़ टू कॉल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विच हैज़ नाउ बीन कॉल्ड एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर को भी स्टेट्स में, क्योंकि अभी मिशन डायरेक्टर्स आए हैं, हमारे हेल्थ के डायरेक्टर्स भी आए हैं, वी हैव टू सी इन ए होलिस्टिक मैनर और उस होलिस्टिक मैनर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। इसलिए हमको उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इमीडिएट केयर अगर आंगनबाड़ी में हम इनिशिएटिव्स लेते हैं तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बहुत बड़ा उसको डायरिया को कंट्रोल करने में और उसके ऊपर निगरानी रखने में एक बहुत बड़ा सेंटर बनता है, तो उसको भी और डिहाइड्रेशन के कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के लिए उसमें भी वो अच्छा काम कर सकता है। उसी तरीके से आंगनबाड़ी का और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस का जो योगदान है, IEC का योगदान है, ब्रेस्ट फीडिंग का कहके इश्यूज है, उसी तरीके से इम्यूनाइजेशन का इशू है, उसी तरीके से सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, उसी तरीके से हाइजीनिक लाइफ का इशू है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको होलिस्टिक पैटर्न में देखने की और सोचने की आवश्यकता होगी और इसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, उसको भी हमको मजबूती देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमें ड्यू अटेंशन टू कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए और वो ड्यू अटेंशन कैपेसिटी बिल्डिंग में ये ट्रेनिंग हो जाना, कोर्सेज हो जाना, 1 वीक कोर्स हो गया, 2 डेज कोर्स हो गया, ये ठीक है। समटाइम्स ट्रेन्ड वर्कर इज नॉट सेंसिटाइज्ड, सो दैट सेंसिटाइजेशन इन द कैपेसिटी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू कम्युनिकेट टू यू और नॉट। जैसे हमारे यहां हर एक को ऐसी मैं आपको बताऊं उदाहरण के लिए, केयरलेसनेस कैसे होती है। अब आपने किसी को ट्रेनिंग देकर के ड्राइवर तो बना दिया, लेकिन इफ ही इज नॉट सेंसिटिव, ड्राइवर शुड नॉट बी ड्राइविंग विद ड्रिंकिंग, सो द होल ट्रेनिंग पार्ट बिकम्स यूजलेस। द सेम वे ट्रेनिंग विथ सेंसिटाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट that the personal intervention of the health activists, NGOs, doctors,
हमारे हेल्थ के वर्कर्स सबके दिमाग में जहन में इस बात का होना चाहिए कि वी शुड गिव ड्यू अटेंशन टू द सेंसिटाइजेशन ऑफ अवर हेल्थ वर्कर्स एंड अकॉर्डिंगली द कैपेसिटी बिल्डिंग के काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक मैं पहले भी बोलता था, क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कोई मंत्री के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, हेल्थ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। प्रॉब्ली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क वन ऑफ द पर्सन हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ए हेल्थ मिनिस्टर फॉर ए फुल टर्म इन द स्टेट ऑल्सो एंड फॉर ए फुल टर्म इन द सेंटर ऑल्सो एंड नाउ अगेन वी हैव आई गॉट अ टर्म फॉर हेल्थ मिनिस्ट्री अगेन। तो मेरा हेल्थ से कुछ विशेष नाता है। आपसे मेरी एक शिकायत रहती है कि आप जब भी बात करते हैं तो आप किसी मीटिंग में बात करते हैं, कभी आप फॉर्मल फंक्शंस में बात करते हैं, कभी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बात करते हैं, लेकिन अदरवाइज हमारा कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा कमजोर है और हम पता नहीं इसका कारण क्या है, शायद पढ़े लिखे ज्यादा होने के कारण हमें लगता है कि बोलना आवश्यक है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो इस कारण से रुक जाते होंगे। समय की आवश्यकता है कि हम हल्ला बोले, इसलिए वट एवर यू नो यू शुड कीप स्पीकिंग, उसको हमको आगे बढ़ाना है, एम्पलीफाई करना है। उस एम्पलीफाई करने में हम शर्मा जाते हैं। मैं ही आपका रिप्रेजेंटेटिव बनता हूं, आई एम दी ओनली एडवोकेट, यू डोंट एडवोकेट, यू डोंट डू दी एडवोकेसी एज मच एज आई डू। मुझे कहना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें जरा कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन लेवल्स, और हम तो उस जगह से आते हैं जहां मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जरूरत पड़े ना पड़े हमको इसकी चर्चा करनी चाहिए फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, क्योंकि जितना आप इसकी चर्चा करेंगे उतनी ही ज्यादा ये विषय एम्पलीफाई होगा। कहने के लिए सब कहते हैं हाँ हम जानते हैं जर्म से बचना चाहिए, हाइजीन रखनी चाहिए, हाइजीन रखने के लिए करना क्या चाहिए ये कोई नहीं जानता, क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए इस पर कोई चर्चा नहीं करता। हाइजीन होनी चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, और हम भी सोचते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, नो। तो इसलिए मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि थोड़ा स्वभाव में आप सब लोग परिवर्तन लाएं, और परिवर्तन के साथ साथ इसको आप विशेष करके मैं एनजीओज के साथ और कम्युनिटी इंगेजमेंट इस पर हम ध्यान दें, और कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा कि कैसे आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं। ये मेरा आपसे निवेदन है, जिसको आप जरूर करेंगे तो ऐसा अच्छा रहेगा। कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत से कॉन्फ्रेंसेस में और मीटिंग्स में मुझे जाने का मौका मिला है, और मेरे काउंटर पार्ट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, वो आकर के मुझे फंक्शन में बोलते हैं हाँ क्या है जरा बताइए, तो इसका मतलब कि उनका उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन राइट टाइम पर नहीं हुआ है। इसलिए हमको इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ, उनका रोल स्पेसिफाइड है वो मालूम है, लेकिन उनका रोल सिर्फ उतना ही नहीं है, उनका रोल होलिस्टिक अप्रोच में सोचने का है। और इसलिए मैं आप सबसे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई टू सी टू इट दैट हमारा कॉन्शियस एफर्ट हमारा हो, दैट उस कॉन्शियस एफर्ट के तहत हम लाइन डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करें। ऑफकोर्स प्राइमरली इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, इसलिए द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन आवर शोल्डर्स, बट एट द सेम टाइम अलॉन्ग विथ इट इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी टू इट दैट वी कोऑर्डिनेट विद अवर लाइन डिपार्टमेंट्स, और उनको भी हम एक्टिव पार्टिसिपेशन में लाकर लेकर के आए, इसकी आवश्यकता होगी। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, मैं बार बार सब लोगों से कहता हूं कि इंडिया में अगर हम कोरोना के वैक्सीनेशन में 2.220 करोड़ लोगों को डबल डोज लगा सकते हैं, विच इंक्लूड्स लाहौल स्पीति, विच इंक्लूड्स लद्दाख, विच इंक्लूड्स लेह, विच इंक्लूड्स गढ़चिरौली, which includes other remote areas of the country, अगर हमारा health worker पहुंच सकता है तो we have the capacity to have a robust health system in our country, और इसका हमको सदुपयोग करते हुए
हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम, अब ऐसे मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ वो एक समय में हम वो डीवर्मिंग का प्रोग्राम करते हैं। अब मैं पिछले एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, एक जगह मैं गया तो हमारे प्रदेश के, हमारे मतलब मेरे प्रदेश यानी वन ऑफ द प्रदेश के मंत्री को ही मालूम नहीं था कि कल से डीवर्मिंग का प्रोग्राम चल रहा है। नॉट दैट दैट ही इज नॉट सिंसियर, नॉट दैट दैट इज हिज इल इंटेंशन, बट द कम्युनिकेशन लेवल समवेयर देयर इज अ गैप, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कीप इन्वॉल्व एवरीबडी एंड इन ए मिशन मोड वी शुड टेक दिस प्रोग्राम, बिकॉज चाइल्ड हेल्थ का ये बहुत बड़ा पिलर है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपने मेरी बात बहुत गौर से सुनी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।